गाड़ी गर्म हो रही है, पानी तो मिले ना, फेंट डाल दो मजा। राम राम जी, मैं आपका भाई जीतू बार फिर एक और नई वीडियो लेके आए भाई आज। तो भाई आज की वीडियो कुछ अलग ही होने वाला है। होने क्या वाला है भाई, गाड़ी में बनेगी दिक्कत। दिक्कत जैसे हम चल रहे हैं ना, अब गाड़ी अब तो होके आ गई है, जो आप दिक्कत पता लगेगी वो आपको आगे ही। तो भाई पहले आप वीडियो देखो क्या क्या गाड़ी में सीन हो गया, मैं फिर बताऊँगा आपके साथ हुआ क्या है सारा। एक्चुअल गाइस अभी जो लगा लो जान सी बच गई, मैंने एकदम ढक्कन खोला भाई और पानी फेंक दिया मैंने, गर्म था, गलती मैंने तो कर दी भाई, आप मत करना इस चीज़ को। लगा लो जान बची गई भाई, पानी ना भाई, गाड़ी बहुत तगड़ी हीट हो रही है भाई। लेके जा रहा था इसे और इतने सारे इशू हो गए भाई, हीट हो रही है फुल, पता नहीं क्या तो सीन हो रहा है क्या ना। देखिए भाई तो सूट ना कर पाया मैंने, कैसे देखूंगा, हीट सी हो रही है गाड़ी। देखो अंदर से दिखाऊं तो अभी नहीं, थोड़ी देर पहले भाई बीच से आ गई थी हीट की तरफ से ज़्यादा, तो मैंने गाड़ी साइड में लगा के देख मैंने क्या सीन है भाई। वो तो भाई एकदम आ गए, सोचने फेंक के मारा जान बची गई भाई, कुछ भी हो सकता है। ये लगा लो वहाँ से आप दिख रहे होगा भाई, हीट हो रही भाई, गाड़ी आज जली जाती। आज बलिनो की ये लगा लो भाई, जान बच गई है, खड़ी खड़ी कर दी नीचे उधर। देखो पेप्सी ने पानी खेल ले, पेप्सी डालनी है मामा, और कह तो रहे हो पेप्सी डालनी है, पेप्सी गाड़ी में पेप्सी डाला फेंटा। अरे यार ज्यादा हीट हो रही हो भाई, गाड़ी गर्म हो रही है, पानी तो मिले ना, फेंटा डाल दो मजा, मत ले पानी डाल दे मजा ले भाई, नीचे डाली इसने, बहुत ही ज्यादा हीट हो रही, कुछ समस्या आ रहा है भाई, क्या सीन हो रहा है गाड़ी में। एक बार चलते हैं फिर शोरूम भाई, वहीं दिखाएंगे। पानी भी ज़्यादा, दो लीटर, एक लीटर पहले डाल दिया, एक लीटर ही डाल दिया भाई, देखते हैं भाई क्या इशू, अब भी होगी हीट या ना होगी। कूलेंट ना चला जाओ भाई, कूलेंट बहुत ही फेंक देगी पानी, दूर हो जा। लोकल में कूलेंट वो तो ना जा भाई, नहीं गैस गैस की पड़ जाती है। पानी एकदम, मैं ढक्कन खोलो, हीट हो रही भाई बहुत बुरी, कूलेंट तो बच गो, कंपनी ही लेके चलते हैं भाई, इसका ये चलते हैं। देखो ये कुछ इनका गेट पास है, गाड़ी का भी बताता हूँ क्या डिटेल, सारे डिटेल अभी बताता हूँ भाई। तो भाई गाड़ी को तो लेके आ गया मैं शोरूम से, और गाड़ी में भाई गाड़ी हो रही थी हीट, हीट इस वजह से हो रही थी गाड़ी में भाई, कूलेंट उसमें पानी नहीं था कूलेंट में। अब ये है भाई अगर कूलेंट में, अब फिलहाल तो उन्होंने ये बोला है कि आ जाओ और देख लो, अगर गाड़ी होती है आपकी हीट तो भाई बताना, फिर गैस्केट जा सकती है, जो एसी की होती है भाई पता नहीं क्या कैसे में गैस्केट बता रहे। तो अब ये चीज़ ध्यान रखना है, कैसे टेम्परेचर है तो भाई हाई ना चला जाए थोड़ा सा, ये अब जैसे सेंटर में है और सेंटर से थोड़ा ऊपर जाने लगे ना भाई, तुरंत ही गाड़ी रोक लेना और पानी डाल देना, क्योंकि पानी जैसे डाल रहे हैं तो भाई वो अंदर की तरह जा रहा है, बाहर नहीं फेंक रहा। तो कुछ इश्यू बता रहे हैं भाई, ये है कि गैस किट खरीदा लेगी तो 25-15 का नुकसान है ही है भाई, देखते हैं। आज तो भाई लिया है, फिर उसके बाद मैं शोरूम पहुंच गया तो मेरे से इंश्योरेंस भी कटवा लेते हैं। ओहो फिर मैं गया था भाई इंश्योरेंस का, मेरे को दिमाग भी नहीं था इंश्योरेंस एक्सपायर होने वाला है एक दो दिन में, चल इंश्योरेंस और कटवा लेता हूँ भाई। इंश्योरेंस पड़ा भाई अपने को 8,213 रुपये का, ये भाई कुछ ऐसा इंश्योरेंस है। और इसमें भाई एक चीज़ थी, अब इसमें अपने को भाई तुम क्या क्या कवर मिल गया, इंजन प्रोटेक्टर, रिटर्न टू इनवॉइस की रिप्लेसमेंट, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबिलिटी, और भाई नेट डैमेज वेमेज सारा पता नहीं क्या क्या है भाई, GST PST का बहुत तेरा सिस्टम बना दिया, जीरो डेप्ट है भाई अपना भाई। ये भाई गाड़ी की पहले तो हो रहा था ये 7,7200 कुछ का भाई, क्योंकि मैंने नो क्लेम गाड़ी है ना, नो क्लेम नहीं लिया उस टाइम जब मैंने पिछली बार गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, कैस में काम कराया था भाई, तो 25% तो वो मिल गया भाई, ठीक है भाई। पर ये ना गाड़ी की वैल्यू कम कर देते हैं, तो मेरी गाड़ी की वैल्यू दे देते भाई, पहले ये ऑनलाइन बता रहे थे कुछ 3,94,000 की, अब गाड़ी की वैल्यू बड़ी मुश्किल थे भाई 600 मैंने दिए, 1,300 रुपये एक्स्ट्रे, तो
गाड़ी की वैल्यू फिर उन्होंने करी है 8200, वो क्या कहते हैं 4,31,41,000 की भाई। ठीक है भाई, ये चीज़ थोड़ा सा सही वैल्यू पर गाड़ी का, कल को सेल करूँ तो मैं गाड़ी की वैल्यू कम होती, फ़ायदा क्या, इनका तो कोई दिक्कत नहीं आता, इनको तो इंसेंटिव मिलता है भाई। तो इन चीज़ों से आप भी देख सकते हो, सेफ रह सकते हो भाई, थोड़ा बचा करो। अब भाई जैसे मैं एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको गाड़ी में ना, आगे जाती है ना तो समझ लो भाई गाड़ी में अपना कूलेंट वो क्या कहते हैं गैसकेट फट चुकी, तो ये चीज़ दिखानी है भाई, एक दो दिन तो लगेंगे भाई, भाई बोल रहे हैं तो भाई एक दो दिन आप पहले चला लो, फिर उसके बाद आपको पता लगेगा कि दिक्कत है ही सीरियसली में नहीं है, थोड़ा लंबा खींच के चलाओ गाड़ी को, जही तुरंत ही लगे भाई सेंटर पहुँच गई गाड़ी को, एक घंटे तक ठंडी होने तक और उसमें पानी डालो फिर चलाना। और अगर अब भी ना घर जा कर देख लेना भाई गाड़ी में पानी डाल लेना, इसमें कूलेंट में कम होता है तो फिर बताना, उसके एक दो दिन बाद देना फिर गाड़ी को करेंगे भाई। ठीक है अब करते हैं फिर यार, दिमाग ख़राब हो जाता है भाई। एसी भी भाई कराया था, एसी का फिल्टर चेंज करा के आया था, फिर मैं एसी नहीं चल रहा था, एसी इस वजह से नहीं चल रहा था क्योंकि भाई ये टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो सारा कुछ पता लगा भाई। हेलो, और भाई एक इसमें यार ये हैंडल ना बहुत बबिंग करता है 100-120 तो ऊपर, वो चीज़ भाई अभी हो ना पाई, वो बोल रहे भाई एक दो दिन आप पहले ना गाड़ी किस चीज़ को करा दो, सर्विस सर्विस कराओ उस चीज़ के साथ ही सारा कुछ काम कर देंगे, बताऊँ कैसे दिक्कत दिखाती है भाई वो, और क्लिप है वो देख रहा हूँ, फिर उसके बाद पता लगेगा भाई। अब मैंने आज गाड़ी भाई 140 चढ़ा दी है उसी के चक्कर में, और आज थोड़ा कम लगा, फिर देख लो एक बार देखो फिर बताता हूँ। और एक यार देखना जैसे मैंने 80-100 से ऊपर चला, अब तो आज तो दिक्कत ना आ रही भाई, देखते हैं अभी देखेंगे, जैसे 120 चला रहा है, देखो हैंडल देखो मेरा हाथ देख सकते हो आप, काँप रहा है भाई, क्यों काँप रहा है भाई पता नहीं, ये बबलिंग मारती बहुत तगड़ी 120 पे से जाए बीजे, तो 120 प्लस होते ही ऑटोमेटिक गाड़ी में पता नहीं क्या तो हो जाता भाई, बहुत तगड़ी बबलिंग मारती है। ये दो तीन चीज़ें इनको देखो 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 हाथ देखो देखो बहुत तगड़ी बबलिंग मारती है। अब गाड़ी चल रही है भाई 140, और भाई हाथ बहुत तगड़ा हाँप रहा, देखो हैंडल देखो गाड़ी रेस भी 140 चल रही है, और हाथ बहुत गंदा काँप रहा है। बस चला नहीं देना चाहिए, पर मैंने आज तुम्हें चीज देखो ये देखो देखो 120 तक प्लस ही दिखाती है ये चीज़, तो क्या इस वजह सारे कुछ छोटे मोटे इसमें गाड़ी में काम तो कराने भाई, ये पता नहीं है, दिखाते हैं कराते हैं दिखाते हैं आपको क्या प्रोसेस है, कितना बिल बनता है, क्या कुछ सारा कुछ समझाते हैं आपको। ठीक है देख ली गाइस, तो ये चीज़ थी बस भाई, गाड़ी में बहुत ही सवाल है सीरियसली, मैं तो दुखी हो गया इस गाड़ी से, क्या ही करें, पर भाई ये गाड़ी रखनी भी तो है, घर वाले मना कर देते हैं ये गाड़ी सेल नहीं करनी नहीं करनी, गाड़ी नहीं आएगी, पैसा आएगा जब, अभी पैसा नहीं है, यूट्यूब से पैसा नहीं आ रहा, मौज आ रही है पता, गाड़ी में फेंटा डाल लो तू यार, कमाल कर दिए डाल दे, एल है तू गाड़ी चढ़ा होगा ये ना देख लो, एल मतलब भाई उसमें लर्निंग जैसे जैसे गाड़ी नहीं सीखता तो वो है वो चीज, जैसे हम भाई जैसे डर रहे हैं आज चालान कटवा दे तू अपनी सेंटर को, कट जाता है आपका। बच्चों कैसे हो तू भाई, कहां सोन आते है कहती होते वो छोड़ ही दियो, कोई हमारी तरह कौन को बार ना जा, तो भाई चालान ना काटो तेरो, चालान का काटो को लाइसेंस दिखा दिया मैंने अपना, 18 प्लस है ना लाइसेंस बनवा तेरो बनवा दियो, मेरा लाइसेंस दिखा दे छोरा को और आधार कार्ड अपना दिखा दे, उनको दिक्कत ऐसे गलत काम मत घर तक देखूंगा कितनी पहुंचती है फिर भाई बताता हूँ आपको। चलो भाई ये चीज तो आपको कल वाली वीडियो में पता लगेगा क्या सीन हो रहा है गाड़ी के साथ, और एक गाड़ी पे मैं टैटू छपवाने वाला हूँ बहुत तगड़ा, एक दो दिन में आपको भी देखने को मिलेगा, गैस करके कमेंट करके बताओ किस चीज़ का टैटू होगा और किसका टैटू होगा, किसी बंदे का टैटू होगा ठीक है सब भी बता दो। और भाई एक चीज़ और बताना भाई, भाई सभी सीरियसली तो बात है थोड़ी सी, उस बारे में बात करना क्योंकि भाई ज़्यादा वो लेना ना व्यू लेने का कोई फ़ायदा ना, उसको टाइटल डाल दे थंबनेल डाल दे, सब बहुत सारे लोग हैं ऐसे कर रहे हैं तो ठीक ना भाई, किसी बंदे की जान गई है, लीजेंड था उनके बारे में नो वर्ड्स हैं भाई, कोई और नहीं हो सकता उनके अलावा भाई, हम तो ये कहना है, और जो भाई जिन्होंने किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए बस भाई, अपना तो ये कहना सीधा।
भाई आज मैं कह रहा हूँ इंडस्ट्रीज में ना अब खत्म हो जाएंगे, ऐसे सारे स्टार खत्म होने लगेंगे। अब आज इस बंदे को मार दिया जिस बंदे के पास भाई वो अपनी गन रखते हैं, सिद्धू भाई उन पे ही हमला हो गया। बहुत से स्टार है भाई जो गन भी ना रखे हैं, शरीफ भी हैं, उन तक कल के होन शराट हो जाएगा भाई। चीज थोड़ा सा बहुतों के पास सिक्योरिटी नहीं होती, सिक्योरिटी नहीं होती। देखो सिद्धू भाई की कल्ली सिक्योरिटी हटाई थी और आज उनके दूसरे दिन टाइम की बात है भाई। भाई ने भी पर भाई उनको हल्का ना छोड़ा, 7 फायरिंग दी थी भाई ने भी, 6-7 फायरिंग दी थी तो ठीक था भाई थोड़ा बहुत जो भी है, पर थोड़ा सा ना भाई वो करो। और भाई 4-5 भाई अपने फौजी भाई हैं वो भी गए, उनको थोड़ा याद रखो। बस भाई यही थी आज एक छोटी सी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।